नमस्कार, ससी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुरकुरी और स्वादिष्ट नमकीन रेसिपी। आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी और स्वादिष्ट बने हुए हैं। आप इसे एक बार बनाएं और पूरे व्रत में 9 दिन तक खाएं, और बिना व्रत के भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले हमने मूँगफली के दानों को साफ पानी से धो के रख लिया है। ये लगभग 250 ग्राम है। और अब इसके लिए हमने लिया है सेंधा नमक, जो हम व्रत में इस्तेमाल करते हैं। 1 चम्मच ये भुना हुआ जीरा पाउडर है। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर है। 3 से 4 हरी मिर्च को हमने इस तरह से लंबे टुकड़ों में काट लिया है, जिससे फ्राई करने में आसानी रहेगी। 7 से 8 हमने करी पत्ते लिए हैं। अगर आप व्रत में खाते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। और 1 बड़ा चम्मच हमने कुट्टू का आटा लिया है। अब हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे जो हमने कुट्टू का आटा लिया है। और अब डाल देंगे इसमें ये नमक। नमक आप अंदाज से डालें। और अब डाल देंगे भुना हुआ जीरा और काली मिर्च पाउडर। और 1 चम्मच की सहायता से इन मसालों को खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे मसाले हमारे मूंगफली में खूब अच्छे से लिपट जाएं। अगर मसाले ड्राई लग रहे हैं तो इसमें आप डाल दीजिए 1 चम्मच के लगभग पानी। पानी डालकर आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो मसाले मूंगफली में अच्छे से लिपट जाएंगे। इसमें हमने ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ये हम व्रत के लिए बना रहे हैं। और अगर आप ऐसे खाने के लिए बनाएंगे तो आप इसमें कोई भी मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मसाले हमारे अच्छे से मूंगफली में लिपट गए हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। गैस ऑन करके मूंगफली का तेल डाल के हमने रख दिया है। इस तरह से चेक करके देख लेंगे, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब बाकी के तैयार मूंगफली के दानों को हम इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम और स्लो के बीच में हम इसे पकाएंगे तो मूंगफली के दाने हमारे बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब हम कलछी की सहायता से इस तरह से लगातार चलाते हुए इन्हें हम पका लेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम और स्लो के बीच में रखेंगे। इस तरह से अगर हम इन दानों को पकाएंगे तो हमारे दाने बहुत अंदर तक अच्छे से सिकेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए दाने हमारे कितने अच्छे से सिक रहे हैं। इन्हें सेकने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। दाने जब पकने लगते हैं तो दानों से पकने की आवाज़ आने लगती है। ये देखिए दाने हमारे पक गए हैं। अब इनको हम कलछी की सहायता से इस तरह से निकाल लेंगे और थोड़ी देर रोक कर रखेंगे कि जिससे इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। एक प्लेट में हम इस तरह से टिश्यू पेपर डालकर मूंगफली के दानों को हम उसमें निकाल लेंगे। इस तरह से जो बाकी बची मूंगफली के दाने हैं उनको भी हम फ्राई कर लें। अब हम हरी मिर्च को इस पेटुला की मदद से इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसे लंबे समय तक रखना है तो देखिए इस तरह से आप फ्राई करें तो ये मिर्च ख़राब नहीं होगी। अब इसे हम मूँगफली के दाने में डाल देंगे और इसी तरह से हम करी पत्ते को भी फ्राई कर लेंगे। करी पत्तों को भी बिल्कुल क्रिस्पी होने तक सेंकना है। अब इनको भी हम मूँगफली के दानों के साथ डाल देंगे। ये देखिए सारी नमकीन हमारी फ्राई हो गई है। अब इसे हम बाउल में मिक्स करेंगे। तो इस नमकीन को हम इस बाउल में डालेंगे। देखिए आप देख सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप ऊपर से नमक, और स्पाइसी पसंद करते हैं तो थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर मिक्स कर सकते हैं। ये मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, इसलिए इसमें हमने ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है। पर आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ।